कोई महलों में सोता है, कोई करवट बदलता है, कोई घर चांद से रोशन, कहीं बस दीप जलता है। भूख से जब तड़प करके किसी का दम निकलता है, भूख का एक दिन भी तो युगों के सम निकलता है। नमस्ते प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल ड्रॉप ऑफ ब्रह्मांड में और मैं हूं आपकी अपनी अंजना दीक्षित मिश्रा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के हिसाब से हमारा भारत जो है वो 94 स्थान पे रहा है और एक साल में लगभग 3 लाख लोग भूखे मर रहे हैं और 5 सालों के अंदर 14,000 किसानों ने आत्महत्या की है, कारण भूख और गरीबी। तो दोस्तों, इसी कड़वे सत्य पे आधारित आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक ऐसे फोटोग्राफर के बारे में बात करने वाले हैं कि जिसको जो विश्व विख्यात बना, जिसको शोहरत हासिल हुई सबसे ज़्यादा जिस चित्र की वजह से, जो उसने खुद ही खींची थी फोटो, और वही फोटो उसकी आत्महत्या का कारण बनी। कैसे, तो जानते हैं हम आगे, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, गांधी जी की लाइंस हैं कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो इतने भूखे हैं कि उनको भगवान किसी भी और रूप में नज़र नहीं आता सिवाय रोटी के, और ये बात इस तस्वीर में बिल्कुल साफ नज़र आती है। दोस्तों, इस तस्वीर में दो भूखे हैं, एक बच्चा जो जीवन की आखिरी सांसें ले रहा है, भूख के कारण वो बिल्कुल बस मरने ही वाला है, लास्ट अपनी स्टेज में है और उसको सांसें बस जितनी आ रही उतनी आ रही, बस मर ही रहा है समझिए, और उसके पीछे एक बैठा गिद्ध जो भी इतना भूखा है कि वो भी बस मरने की कगार पे वो इतना भूखा है, लेकिन वो इंतज़ार कर रहा है कि कब वो बच्चा मरे और वो गिद्ध उसको खाए। ये तस्वीर खींची थी जर्नलिस्ट केविन कार्टर ने और यही तस्वीर की वजह से वो विश्वविख्यात बने और इसी तस्वीर की वजह से उनको सुसाइड करना पड़ा। दोस्तों, केविन कार्टर जो थे वो साउथ अफ्रीका के एक फ़ोटो जर्नलिस्ट थे और यूनाइटेड नेशन ने उनको बतौर फोटोग्राफर सूडान भेजा था, क्योंकि उस समय सूडान में सिविल वॉर चल रहा था और वहाँ पे अकाल पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था और लोग भूखमरी से, भूख से तड़प तड़प के मर रहे थे वहाँ पे। तो वहाँ पे सारी कवरेज करने के लिए बतौर फोटोग्राफर उनको सूडान भेजा गया। जब वो सूडान में पहुँचे तो उन्होंने बहुत बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची, वीडियोस बनाए सारे भूख से मरते हुए लोगों के और सारे अकाल का और जो वहाँ पे सिविल वॉर चल रहा था उन सब की उन्होंने बहुत सारी फ़ोटो खींची। दोस्तों, ये जो तस्वीर थी ये उनकी सूडान की आखिरी तस्वीर थी जो उन्होंने खींची थी, जिसमें उन्होंने उस मरते हुए बच्चे के पीछे जो गिद्ध बैठा हुआ था, जो उस बच्चे के मरने का इंतज़ार कर रहा था, ये तस्वीर सूडान की खींची हुई उनकी आखिरी तस्वीर थी। इस तस्वीर को खींचने के बाद उन्होंने उस गिद्ध को तो उड़ा दिया, वहाँ से भगा दिया, लेकिन उस बच्चे के पास भी पहुँचना चाहते थे, लेकिन उनके साथ जो साथी लोग थे हेलीकॉप्टर में उन्होंने उनको रोक लिया और उस बच्चे के पास तक नहीं जाने दिया, क्योंकि उस समय सूडान में महामारी फैली हुई थी और उनके साथी लोग नहीं चाहते थे कि ये बच्चे के पास जाए, उसकी सहायता करे और वो सारी बीमारी लेके उनके पास आए और उनको वो बीमारी फैल जाए, इसलिए उनके साथियों ने उसको बच्चे के पास तक नहीं जाने दिया और वापस हेलीकॉप्टर में खींच लिया। बाद में जब केविन वापस आए अपने देश में और उन्होंने वो फोटो को न्यूयॉर्क टाइम्स को बेच दिया, उस न्यूज़पेपर ने 26 मार्च 1993 को पहली बार ये फ़ोटो प्रकाशित की और इस फोटो को नाम दिया गया द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल। ये फ़ोटो इतनी मशहूर हुई, इसने इतनी शोहरत हासिल की कि इस फ़ोटो की वजह से केविन को पुलित्ज़र अवार्ड भी दिया गया। इस अवार्ड के मिलने के बाद तो केविन पूरे विश्व विख्यात बन गए थे, चारों तरफ उनकी शोहरत हो गई थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था दोस्तों। लेकिन अचानक से मोड़ तब आता है जब कोई उनसे प्रश्न पूछता है कि उस गिद्ध को उड़ाने के बाद उस बच्चे का क्या हुआ, क्या वो जीवित रहा या वो मर गया। ये प्रश्न सुनने के बाद
केविन ने जवाब दिया कि पता नहीं, मैं वहाँ पर रुक नहीं सका। उसको तो बोल दिया, लेकिन उसके उनके अंदर वो आत्मग्लानी चलने लगी कि वो बच्चे को देखा भी नहीं कि वो मरा या जिया या क्या हुआ उसका। बाद में वो उसके बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाए और उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मैं दोषी हूँ, मैं चाहता तो मैं उसे बचा सकता था। ये चीज़ उनको अंदर ही अंदर घर कर गई और वो सारा कुछ वो सोचने लग गए कि किस तरीके से वो बचाना चाहते थे, लेकिन उनके जो साथी लोग थे उन्होंने उसके पास तक नहीं जाने दिया। तो ये सब चीज़ें उनके मन में चलने लगी और वो धीरे धीरे थोड़ा सा डिप्रेशन में आना शुरू हो गए। और दोस्तों, ये आत्मग्लानी अपनी चरम सीमा पे पहुंची जब किसी ने एक दूसरा प्रश्न उनसे कर दिया। किसी ने कहा कि आपने देखा इस फोटो में एक नहीं दो गिद्ध हैं। तो केविन ने कहा नहीं, एक ही गिद्ध है, मुझे तो एक ही दिखाई दे रहा। उन्होंने कहा नहीं, ध्यान से देखिए, इसमें एक गिद्ध तो वो है जो उस बच्चे के मरने का इंतज़ार कर रहा और उसको खाना चाहता है, लेकिन दूसरा गिद्ध वो है जो अपने गले में कैमरा टांगे है और इस सिचुएशन की सिर्फ फ़ोटो खींच रहा है बचाने की बजाय। इस तरीके से इस फोटो में दो गिद्ध हैं। ये बात सुनने के बाद केविन को बहुत ही ज़्यादा धक्का लगा, वो अंदर तक झकझोर दिया इस बात ने उनको, और वो डिप्रेशन में और भी ज़्यादा जाने लग गए। धीरे धीरे स्थिति ये आई कि अंततः 26 मार्च 1993 में जो उनकी प्रकाशित की गई थी यही फ़ोटो, और इसी फ़ोटो के 3 महीने के अंदर अंदर उन्होंने 33 वर्ष की आयु में आत्महत्या कर ली। और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि आई एम सॉरी, रियली सॉरी, द पेन ऑफ लाइफ ओवरराइड्स द जॉय टू द पॉइंट दैट जॉय डज नॉट एग्जिस्ट। आई एम हॉन्टेड बाई द विविड मेमोरीज ऑफ किलिंग एंड कंप्रेस एंड एंगर एंड पेन ऑफ स्टार्विंग एंड वुंडेड चिल्ड्रन ऑफ ट्रिगर हैप्पी मैडमैन आफ्टर पुलिस ऑफ किलर एग्जीक्यूशनर्स। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक विश्वविख्यात फोटोग्राफर ने अपनी ही फोटो के कारण आत्महत्या कर ली और इस दुनिया से अलविदा कहा। दोस्तों, एक और कहानी मुझे याद आती है जो कि लैटिन अमेरिका के हैती देश की है, जहाँ पे जब अकाल पड़ा तो वहाँ के लोगों ने, जब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और वो एक एक करके मरने लग गए, हड्डियों के ढांचे बन गए थे सारे, तो उन्होंने खाने के लिए पहाड़ी मिट्टी में पानी मिला के, वनस्पति तेल और नमक मिला के, उसको एक रोटी के आकार का, बिस्किट के आकार की शेप में बना के उसको खाते थे, जिसको उन्होंने नाम दिया बोन बोन टेरेस। और वो मिट्टी की रोटी खा खा के उन्होंने अपना पेट भरा, जिससे वो बहुत सारी बीमारियों से भी जूझे। तो इस तरीके से कितनी चीज़ें हैं जो देश में लोगों को भूख से तड़प तड़प कर मार रही हैं और वो कुछ भी करने को मजबूर हैं, मिट्टी खाने को मजबूर है, कीचड़ खाने को मजबूर है, ऐसी दशा हो रही है। दोस्तों, आंकड़ों के हिसाब से लगभग 1.3 अरब टन भोजन हम कचरे में फेंकते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, इससे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों भूखे लोगों का पेट भरा जा सकता है। कितना खाना हमारे देश में बर्बाद हो रहा है और कितने लोग भूख से मर रहे हैं। दोस्तों, सच ही कहा गया है कि अन्न ही जीवन है, अन्न ही ईश्वर है। हमें हमेशा अन्न का सम्मान करना चाहिए और हमारा जो बचा हुआ अच्छा जो भोजन है वो ज़रूरतमंदों तक पहुँचाना चाहिए। इसके साथ ही आपको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।